नमस्कार, सत श्री अकाल जी सारयां। मैं आप सभी का सतेंद्र सिंह परहार। आज नया दिन, एक नया इतिहास। आज का इतिहास जो मैं लेके आया हूँ वो एक बहुत ही महान योद्धा जो गुरु गोविंद सिंह जी के खास योद्धाओं में थे, उनका नाम था आलम सिंह नचना। आलम सिंह नचना का पहला नाम था आलम चंद। जब उन्होंने 1699 में अमृत छका तो उनका नाम आलम सिंह रख दिया गया। दुर्गा दास जी का पुत्र, पद्म राय जी का पोतरा, श्री कौल दास जी का पड़पोतरा। ये जो इनका चौहान खानदान था, ये काफी देर से गुरु साहिबान के शरण में थे। जो श्री गुरु हरगोविंद साहिब जी के टाइम पे भी इनके जो वडेरे थे, उन्होंने गुरु जी के पक्ष में खड़े होके लड़ाइयां लड़ी और काफी बहादुरी दिखाई और शहीदियां भी पाई। एक अग्निवंशी राजपूत थे, कवि संतोख सिंह जी, जिन्होंने सूरज प्रकाश ग्रंथ लिखा है उसमें लिखते हैं, आलम सिंह तरे सब आयुध, जात जिसी राजपूत भलेरी, खासम साहिब दास गुरु को पास रहे नित श्री मुख फेरी, बोलन केर बिलास करे जिह संग सदा करुणा बहुतेरी, आयस ले नित संगर के मन हुए आनंद चलो तिस बेरी। ये सूरज प्रकाश के पन्ना 2948 पे अंकित हैं, जिसपे कवि संतोख सिंह जी लिखते हैं कि जी आलम सिंह जिनकी जात लिखते हैं कि वो राजपूत थे। यहाँ मैं एक और बात आपको बतानी चाहता हूँ कि ये जो सिख जो राजपूत अगर अपने आप को लिखते हैं तो बहुत लोग ऑब्जेक्शन करते हैं कि आप राजपूत क्यों लिखते हो, ये जात क्यों आती है। ये जात जो है, इसका मैं जो आप सबको बताना चाहता हूँ कि जो जात हमारी एक पहचान है, जो क्षत्रिय थे उनकी जात क्षत्रिय थी। पंडित का काम था वो ब्राह्मण हो गए, जो व्यापारी थे उनको वैश्य कहा जाने लगा, जो बाकी काम करते थे उनको शूद्र कहा जाने लगा। ओरिजिनल मनुस्कृति हम देखें तो उसमें जो जो काम करता था उसको उसी का नाम दे दिया गया। लेकिन ये जो जात का पार पड़ा है, ये मुसलमानों के आने पर पड़ा है, जात पात जिसको हम कहते हैं, ये अगर हम सनातन धर्म को देखते हैं कि शुरू में समाज में कोई भी इसका महत्व नहीं था। जो काम कोई करता था, कोई शूद्र भी राजा बन सकता था और जो कोई क्षत्रिय भी शूद्र वाला काम कर सकता था। जो आज इनको बहुत लोग कहते हैं कि ये नीची जात है, वो ऊंची जात है, लेकिन जात सिर्फ काम के आधार पर बांटी हुई थी। हम बाद में बेशक इसने जो बुरा रूप धारण कर लिया, लेकिन ओरिजिनली जो जात थी वो सिर्फ एक काम के आधार पर ही रखी गई थी। आलम सिंह चौहान का जन्म 1660 ईस्वी में हुआ था। उनके गाँव का नाम दुबुरजी उदयकरण वाली, जो जिला सियालकोट में पड़ता है। इनके वडेरियों ने ही ये गांव बसाया था। आलम सिंह चौहान के जो दादाजी थे उनके एक भाई थे राव किशन राय, वो भी एक महान योद्धा थे, जिन्होंने 27 अप्रैल 1635 को जो हमारे छठ गुरु थे गुरु हरगोविंद साहिब, उनकी फौज में वो एक सेनापति थे। और जब करतारपुर की लड़ाई लड़ी गई है तो उसमें राव किशन राय जी शहीद हो गए, भाई आलम सिंह के दादा के भाई। पहले तो ना इनका नाम आलम चंद था। आलम चंद चौहान की जब उम्र 13 साल की हुई तो ये अपने पिताजी के साथ आनंदपुर साहब आ गए। तो एक बार वो आनंदपुर साहब आए तो वहीं के ही हो गए रह गए। बेशक गुरु गोविंद सिंह जी से 5-6 साल ये बड़े थे, लेकिन फिर भी ये गुरु गोविंद सिंह जी के साथ ही एक अंगरक्षक की तरह हमेशा रहते थे। आलम सिंह चौहान की शादी बीबी भिक्खा के साथ, जिनका पूरा नाम भिक्खा देई राठौर था, जो गुरु गोविंद सिंह के एक सेनापति बजर सिंह राठौर की बेटी थी। बजर सिंह राठौर जो सारी सेनाओं को जो शिक्षा दिया करते थे, बहुत एक महान योद्धा थे। उनकी बेटी जो भिक्खा देई थी, उनके साथ आलम सिंह चौहान की शादी हो गई। 1692 की बात है, जो गुरु जी के साथ ये शिकार खेलने गए तो जो जब जंगल में शिकार खेल रहे थे तो दूसरी तरफ एक और एक टोली जो शिकार खेल रही थी, उन्होंने इनके ऊपर हमला कर दिया। गुरु जो हेड थे वो एक बलिया चंद थे और एक उनमें भी एक आलम चंद उनमें भी था। तो ये बलिया चंद थे उनको उसको तो गुरु गोविंद सिंह जी ने कड़े हाथों लिया और उसको जख्मी कर दिया, तो वो भाग गया। उस पार्टी में जो एक आलम चंद थे उनको आलम सिंह नचना ने कड़े हाथों लिया और उसके ऊपर ऐसे तगड़े वार किए कि उसको जख्मी होके भागना पड़ा और वो जंगल छोड़ के सारे जो थे वो भाग गए। सरदार आलम सिंह चौहान की जो बहादुरी है उसकी बहुत सी कहानियां हैं। गुरु गोविंद सिंह जी का आराम ग्रह था, उसकी ड्यूटी पे ड्यूटी किया करते थे, तो रात को भी ये उनके साथ ही वहाँ जहाँ गुरु जी सोते थे वहाँ ड्यूटी करते थे। एक बार की बात है, जो पहाड़ी राजपूत थे उनके जो छोटे छोटे राजे थे, उन्होंने गुरु गोविंद सिंह जी से मदद मांगी कि दिल्ली से हमारे ऊपर मुसलमान पर हमला करने आ रहे हैं, आप मदद कीजिए। तो उसमें गुरु गोविंद सिंह जी ने अपने 3 जर्नैल भेजे
उसमें आलम सिंह चौहान भी थे, नंदचंद थे, परमदास शिब्बर भी थे। तीनों जर्नैलों के साथ गुरुजी ने अपनी फौज जो पहाड़ी राजा थे उनकी मदद के लिए भेजी। तो इन्होंने बहुत बहादुरी से वहाँ उनका मुकाबला किया मुसलमानों का, जो मुगल फौज थी उसको हरा दिया। फौज हार के लाहौर का सूबेदार था दिलावर खान, उसके पास पहुँची गए हमें गुरुजी ने और पहाड़ी राजाओं की फौजों ने हरा के भिजवा दिया। तो दिलावर खान ने किया कि जो उसका लड़का था रुस्तम खान को दिलावर खान ने अपनी फौज दे के लाहौर से रवाना किया कि पहाड़ी राजाओं को बाद में देखना, सबसे पहले तुम आनंदपुर पे जहाँ पे गुरु गोविंद सिंह जी हैं और उनकी सेना है उसके ऊपर आप पहले हमला करो, उनको पहले खत्म करो, पहाड़ी राजाओं को हम बाद में देखेंगे। तो रुस्तम खान फौज लेके आ गया, उसने आनंदपुर साहब से कुछ दूर एक छोटी सी नदी पर दिया, नदी के पार उसने अपने जो डेरे लगा लिए। खबर मिली कि उस नदी के पार जो रुस्तम खान है वो अपनी फौज लेकर आ गया है और सवेरे तड़के वो गुरुजी के ऊपर आनंदपुर साहब के ऊपर किले के ऊपर हमला करेंगे। आलम सिंह चौहान को खबर मिली तो आलम सिंह चौहान जो गुरु जी जब सो रहे थे तो आधी रात को गुरुजी को उठा दिया, गुरुजी बात ऐसी है कि रुस्तम खान हमारे ऊपर चढ़ के आ गया है, नदी के पार उसने अपना डेरा लगाया है और कल सवेरे वो हमारे ऊपर हमला करेगा। तो गुरुजी ने जो जितनी सारी अपनी फौज थी जितने सिख थे साहब सबको अलर्ट कर दिया। ये सारी की सारी बातें 1699 जब गुरुजी ने खालसा पंथ साजा उससे पहले की हैं, क्योंकि तीन लड़ाइयाँ गुरुजी ने 1699 से पहले लड़ी हैं। उनके साथ जितने भी जो लड़ाके सिख थे तकरीबन 90-95% वो राजपूत ही थे, जो सिख बन गए थे उन्होंने गुरुजी का साथ दिया और वो गुरुजी के साथ ही रहते थे, उनको कोई ना तो वो तनख्वाह मांगते थे सिख, वो गुरुजी के साथ इसलिए थे कि गुरुजी जुल्म के खिलाफ लड़ रहे हैं, चाहे वो बजर सिंह राठौर हो, चाहे भाई मनी सिंह जी का परिवार हो, चाहे वो आलम सिंह नचना हो, ये सारे के सारे जितने थे वो गुरुजी के पास बिना तनख्वाह के लड़ाई लड़ते थे और गुरुजी की सेवा करते थे, क्योंकि इन्होंने जुल्म का टाकरा करना था ना कि इन्होंने कुछ लेना था, मुगलों की जड़ उखाड़नी थी तो बिना पगार लिए लड़ते थे। तो 1699 में जो खालसा पंथ की साजना हुई उससे पहले गुरुजी ने जो तीन लड़ाइयाँ लड़ी उसके बाद फिर उन्होंने ये सोचा कि ठीक है जो आम लोग हैं जो लड़ाई नहीं लड़ सकते, जिनको जात पात में बांटा गया है, उनको नीची जात का बोलकर नकारा जाता है, तो उन्होंने सोचा ठीक है हमारे पास बजर सिंह राठौर भी हैं, आलम सिंह चौहान भी हैं, मनी सिंह पवार जी का परिवार है सारा, तो ये उनको ट्रेनिंग देंगे। 1699 में उन्होंने लताड़े हुए लोग थे उनको अमृत छकाया। तो पहले पंच प्यारे साजे गए, उसके बाद पंच प्यारों के बाद पांच मुक्ते साजे गए और उसके बाद जो 40 मुक्ते साजे गए, 40 मुक्तों में आलम सिंह चौहान भी थे। वैसे तो गुरु गोविंद सिंह जी ने कहा था कि कसम नहीं खानी है, लेकिन इन लोगों ने एक प्रण किया था कि जो मर्जी हो जाए हम गुरु जी का साथ नहीं छोड़ेंगे, चाहे हमारी जान भी चली जाए। बीबी भिक्खा देव जी की शादी आलम सिंह चौहान से हो गई तो इनके तीन पुत्र हुए, बड़े का नाम मोहर सिंह, दूसरे एक वाले का नाम बागड़ सिंह, तीसरे एक वाले का नाम बहमुल्ला सिंह। जो बीबी भिक्खा देवी थी वो भी एक युद्ध में निपुण सिंहनी थी, जो स्त्री विंग था जो गुरु गोविंद सिंह जी का उसको ट्रेनिंग जो बीबी भिक्खा जी दिया करती थी, जो पुरुष विंग था उनको उनके पिताजी बजर सिंह राठौर ट्रेनिंग दिया करते थे। तो जब 1705 में मुगलों ने जब आनंदपुर साहब के ऊपर हमला किया, काफी 9 महीने तक ये अंदर रहे, 9 महीने तक बाहर उन्होंने घेरा डाले रखा, अंदर उनकी जाने की हिम्मत नहीं थी कि हम गुरुजी को आगे अंदर जाके उनके ऊपर हमला कर लें, क्योंकि वो काफी बख्तरबद थे, उनके जो जान की बाजी लगाने वाले जो उनके साथी थे जिसमें ज्यादातर ये राजपूत वंश के ही थे। तो मुगलों ने एक चिट्ठी लिखी, अगर आप जफरनामा पढ़ते हैं तो उसमें भी वो गुरु गोविंद सिंह जी ने जब जफरनामा लिखा औरंगजेब को लिखा कि तेरे जो साइन हुए थे उसमें जो हमारे पास जो रुका एक चिट्ठी आई थी कि आप आनंदपुर का किला छोड़ दो, हम आपको कुछ नहीं कहेंगे, हम कुरान शरीफ की कसम खाते हैं। जफरनामा जो ये पर्शियन लैंग्वेज में लिखा हुआ है जिसको हम फारसी कहते हैं, तो जफरनामा का मतलब फतेह की चिट्ठी, जीत का एक पत्र जो उन्होंने जफरनामा के रूप में औरंगजेब को भेजा। उन्होंने लिखा कि तूने जो हमें चिट्ठी लिखी थी उसमें लिखा था मैं कुरान की कसम खाता हूँ कि आप आनंदपुर का किला छोड़ दो, हमारी फौज आपको कुछ नहीं कहेगी, लेकिन जो औरंगजेब तुम्हारी फौज थी उसने हमारा पीछा किया, तुम्हारी फौज ने जुल्म किए और तू एक राजा नहीं, तू एक जालिम राजा है। वो चिट्ठी औरंगजेब की देख के जिसपे उसने कसम खाई हुई थी
आनंदपुर साहिब का किला छोड़ा तो आगे जो सरसा नदी आती है जिसको आजकल हम सतलुज कहते हैं, जब सतलुज नदी पार कर रही थी सारी फौज और ये सारे परिवार, तो मुसलमानों ने पीछे से हमला कर दिया। तो कुछ लोग जो नदी पार कर गए थे, कुछ पार कर रहे थे, बीबी भिखा जो आलम सिंह चौहान की पत्नी थी, उनकी और कुछ और 100 सिंहों की ड्यूटी लगी कि जब तक ये बाकी परिवार आगे जाते हैं आप लोगों को मुस्लिम फौज को यहाँ रोकना है। वहाँ जो एक गांव पड़ता है जखियाँ, पहले तो वो रोपड़ डिस्ट्रिक्ट में था, आजकल जो नाम चेंज हो गया साहिबजादा अजीत सिंह नगर रख दिया है रोपड़ का, तो उसमें गांव जखियाँ पे जो मुगल फौज थी उसको रोक दिया। वहाँ पे जो सारे के सारे वो शहीद हो गए, जिनमें 100 सिखों सिख योद्धों में जो बीबी भिखा भी थी जो भाई आलम सिंह चौहान की पत्नी थी, बहुत बहादुरी से लड़ी और उन्होंने काफी देर तक उस फौज को वहाँ एक दिन के लिए शाम तक के लिए रोक के रखा, आगे नहीं बढ़ने दिया जब तक जो आगे की फौज बच्चे परिवार थे वो काफी दूर निकल चुके थे। उसके बाद जो गुरु गोविंद सिंह जी का जत्था था उसमें कुल 41 लोग बचे थे, जिसमें 40 उनके सिंह थे और 41 में गुरु गोविंद सिंह जी थे। इसमें आलम सिंह चौहान भी इन 40 सिखों में थे। पार करके आगे एक गांव पड़ता है जिसको आजकल चमकौर साहब कहते हैं, उसके जो दो राजपूत जमींदार थे राय गरीबदास और राय बुद्धिचंद, जो गुरु जी के मुरीद थे, उन्होंने उनको इन्होंने बोला कि हमें कोई ऐसी ठहर चाहिए कि जो हमारे जो पीछे मुगल फौज आ रही है हमने उसका मुकाबला करना है। राय बुद्धिचंद और राय गरीबदास ने जो उनकी एक कच्ची हवेली थी वो दे दी कि ठीक है ये जो हमारी हवेली इसमें कुछ जो दीवारें हैं वो मिट्टी की हैं, लेकिन आप अगर चाहो तो यहाँ पे आप रह सकते हो, अगर आपके पीछे मुगल फौज आती है तो आप उसका मुकाबला भी कर सकते हो। तो उसको चमकौर की गढ़ी का नाम दिया गया, बाद में आजकल उस गुरुद्वारा चमकौर साहिब है। 41 में से 35 सिख यहाँ पे शहीद हो गए, उसमें आलम सिंह चौहान और उसके दोनों बड़े बेटे मोहर सिंह और बहमुल्ला सिंह शहीद हो गए। 5 सिख और गुरुजी यहाँ से आगे गए हैं, 41 में से 35 यहाँ पर ही शहीद हो गए थे। चमकौर की गढ़ी उनकी याद में बनी हुई है। जो तीसरे पुत्र थे आलम सिंह चौहान के, जिनका नाम बागड़ सिंह था, अब उनकी माता भी शहीद हो गई बीबी भिखा देई, तो वो आपके नाना जी के साथ रहते थे। बाद में जो उनके नाना जी थे सरदार बज्र सिंह राठौर, जब बाबा बंदा सिंह बहादुर ने चप्पड़चिड़ी में मुसलमानों के साथ जो मुकाबला किया तो ये दोनों चप्पड़चिड़ी की लड़ाई में ही शहीद हुए। बज्र सिंह राठौर तो तकरीबन 70 साल के हो गए थे उस टाइम पे, बागड़ सिंह वो जवान थे, उन्होंने भी काफी बहादुरी के साथ ये लड़ाई लड़ी और यहीं पर ही शहीदी पाई। ये जो आज का सारा आलम सिंह चौहान का जो इतिहास था, ये क्योंकि मैं तो सिर्फ वही इतिहास लेके आता हूँ जो पुरानी किताबों में लिखा है, जो 1900 के बाद बहुत सा इतिहास जो वो मिक्स कर दिया गया है, जो पुरानी किताबें हैं जैसे कवि संतोख सिंह जी ने काफ़ी सा इतिहास लिखा है, काफ़ी भट्टों ने जो इनके बारे में लिखा है, तो जो जो उनकी जो वंशावली थी उसमें भट्टों ने भी गाई है। वो आलम सिंह चौहान ऐसे योद्धा थे जो शुरू से ही, उनके बडेरे भी गुरु साहिबान के मुरीद थे, उनके साथ में खड़े होके उन्होंने लड़ाइयां लड़ी। आलम सिंह चौहान, उनकी पत्नी बीबी भिखा देई, 3 बेटे बाबा मोर सिंह, बहमुल्ला सिंह, बागड़ सिंह और उनके जो ससुर थे बज्र सिंह राठौर, वो भी ये सारे के सारे इन्होंने जो अपनी जाने थी वो सिख पंथ के लिए दी और इन्होंने जो मानवता की रक्षा करने के लिए दी। ये एक ऐसे खानदान थे जो लड़ाई लड़ते थे लेकिन पैसे के लिए नहीं लड़ते थे, वो गरीब गुरबे की रक्षा करने के लिए लड़ते थे, जुल्म के खिलाफ लड़ते थे। भाई आलम सिंह चौहान जो 1699 में उन्होंने जब अमृत छका तो उनका नाम आलम सिंह रख दिया गया। आपने जो सुना है कि इतने ज्यादा बहादुर थे, कुछ भी हो जाए, एक बार की बात है कि उन्होंने एक शेर को निहत्थे ही मार दिया था। जब ये शेर जंगल में शिकार करने जाते थे, गुरु गोविंद सिंह जी के साथ ही जाते थे, तो लड़ाई में भी हमेशा उनके साथ ही रहते थे। तो ये जो एक ऐसा खानदान था जिसने अपने एक एक जो रक्त की बूंद है वो मानवता के लिए लगा दी और गुरु गोविंद सिंह जी के साथ ही ऐसा उनका प्यार था कि कुछ भी हो जाए वो गुरु गोविंद सिंह जी के साथ ही रहते थे। नचना भी उनका नाम इसलिए पड़ा था क्योंकि वो जो गतका, हम जो मार्शल आर्ट गतका कहते हैं, गतका ऐसे खेलते थे जैसे कोई डांस कर रहा हो। गुरुजी जो उनको सिर्फ आलमा ही कहते, जो विचित्र नाटक में भी गुरु गोविंद सिंह जी उनका वर्णन करते हैं उसमें आलम सिंह चौहान का नाम
आलमा कहते हैं। आलम सिंह चौहान अग्निवंशी राजपूत थे। मानवता की रक्षा के लिए ही अपनी जान दी और मानवता की रक्षा के लिए ही वो शायद इस धरती पर आए थे। ये था जो आज का इतिहास आलम सिंह चौहान का। तो ऐसे जो युग पुरुष हैं वो किसी किसी युग में पाए जाते हैं, हमेशा ये लोग पैदा नहीं होते। कोई कोई पैदा होता है कि कोई कोई माता ऐसी होती है जो ऐसे युग पुरुष पैदा करती है। तो आप सबका इस इतिहास के लिए, इस इतिहास सुनने के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। सतेंद्र सिंह परहार।